आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्लास मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आवर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम जब प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में जो हम डिफरेंस देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डिफरेंस लेके आया हूँ, और इस वीडियो में हम वही डिफरेंस देखने वाले हैं जो आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम में नज़र आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, इन क्लास फंक्शन वी डोंट हैव टू डिक्लेयर एनी कीवर्ड। क्लास फंक्शन, जब हम क्लास का नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं मेंबर फंक्शन, तो हमें कोई कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्लास नॉर्मल फंक्शन में। लेकिन अगर हम फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास कुछ भी बनाते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है जो कि फ्रेंड कीवर्ड है। तो फ्रेंड फंक्शन में हम लिखेंगे बट इन केस ऑफ फ्रेंड फंक्शन वी रिक्वायर टू डिक्लेयर कीवर्ड फ्रेंड। जब हम प्रोग्राम भी करते हैं तो हम क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो हम कोई कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम उसी क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं तो हमें कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन को बनाते हैं तो उसी फंक्शन को हम फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया, इफ़ वी डिफाइन द क्लास मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ क्लास। अगर हम क्लास मेंबर फंक्शन यानी जो क्लास में नॉर्मल फंक्शन है हमारा, उसको अगर हम क्लास के बाहर लिखना चाहेंगे तो हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, और उस ऑपरेटर को हम बोलते हैं स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर। और यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर लिखा है ये हो गया स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का सिंबल। हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हम इसी सिंबल का यूज़ करके क्लास के बाहर क्लास के नॉर्मल फंक्शन को यानी मेंबर फंक्शन को लिखते हैं। तो ये स्कोप रिसोल्यूशन का सिंबल है। तो फ्रेंड फंक्शन का सेकेंड पॉइंट हो गया, इफ़ वी डिफाइन फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड ऑफ ए क्लास देन वी डोंट हैव टू यूज़ स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर। अगर हम फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर लिखते हैं तो हम स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को क्लास के बाहर इजीली एक्सेस करवा देता है, यानी क्लास की सिक्योरिटी को लो कर देता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, क्लास फंक्शन में इन केस ऑफ क्लास फंक्शन वी कैन डिफाइन द बॉडी ऑफ फंक्शन। हम क्या करते हैं क्लास फंक्शन में, जब हम फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं तो वो हम या तो क्लास के अंदर करते हैं या क्लास के बाहर, हम दोनों जगह कर सकते हैं क्लास मेंबर फंक्शन में। अगर क्लास के बाहर आपको करना है तो सेकंड पॉइंट में जैसे हमने आपको बताया कि आप स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास के अंदर डिफाइन करना है तो आप नॉर्मली क्लास के अंदर डिफाइन करके उस फंक्शन में कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट क्लास फंक्शन का। सेम चीज़ अगर हम देखना चाहेंगे फ्रेंड फंक्शन में, तो फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है, इन केस ऑफ फ्रेंड फंक्शन वी हैव टू डिक्लेयर द बॉडी ऑफ फंक्शन एट आउटसाइड ऑफ क्लास। फ्रेंड फंक्शन में जब हम फ्रेंड फंक्शन का बॉडी बनाते हैं तो बॉडी हम हमेशा क्लास के बाहर ही बनाते हैं, हम क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन का बॉडी नहीं बनाते, क्योंकि हम क्लास के अंदर सिर्फ उसको नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जो हमें लॉजिक फ्रेंड फंक्शन में लिखना होता है वो हम क्लास के बाहर लिखते हैं, इसीलिए हम लिखे हैं एनी टाइम क्लास मेंबर फंक्शन का बॉडी हम क्लास के बाहर लिखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा, क्लास फंक्शन में जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ये आपको जो हमने थ्योरी में बोला है सेम यही रूल फॉलो होगा हमारे प्रोग्राम में। आप अगर प्रोग्राम किए भी होंगे तो आपको याद होगा कि आपने ऐसा ही किया होगा। तो चलिए फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, इफ़ वी ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर। अगर हम क्लास फंक्शन से यानी क्लास फंक्शन में अगर हम देखा जाए यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर हम करते हैं नॉर्मल फंक्शन से, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी डोंट हैव टू पास एनी पैरामीटर थ्रू ऑपरेटर फंक्शन। अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्लास फंक्शन से करते हैं तो हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना पड़ता ऑपरेटर फंक्शन से। सिंटैक्स में हमने लिखा है रिटर्न टाइप, ऑपरेटर एक कीवर्ड होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, और देन हमने माइनस सिंबल यूज़ किया यानी हम माइनस परफॉर्म कराएंगे इस यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन से। तो यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है,
लेकिन अगर हम फ्रेंड फंक्शन की बात करेंगे तो हमें फ्रेंड फंक्शन में आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल भी अगर हम बिना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के भी फ्रेंड फंक्शन लिखते हैं तो हम उसमें भी आर्गुमेंट पास करते हैं क्लास का नेम और उसका एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद ही हम फ्रेंड फंक्शन में क्लास के बाहर उसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाते हैं। तो हम फ्रेंड फंक्शन में लिखेंगे, इफ़ वी ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर थ्रू फ्रेंड फंक्शन देन वी हैव टू पास सिंपल सिंगल पैरामीटर थ्रू दी फंक्शन। अगर हम फ्रेंड फंक्शन में यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो हम सिंगल पैरामीटर पास करते हैं फ्रेंड फंक्शन से। अगर हम यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं भी करते हैं फिर भी हम क्लास का नेम और एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं फ्रेंड फंक्शन से, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रेंड फंक्शन से आप कर रहे हैं। देन आपको रिटर्न टाइप लिखना है, जो भी आप लिखें, वॉइड इंट ऑपरेटर और माइनस, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम माइनस वाला ऑपरेटर चुने हैं। क्लास का नेम और एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो हमने यूनरी में क्या किया कि फ्रेंड फंक्शन में सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है और नॉर्मल फंक्शन में हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, जब हम क्लास फंक्शन से बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने लिखा, इफ़ वी ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर थ्रू क्लास फंक्शन वी हैव टू पास सिंगल ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम नॉर्मल क्लास फंक्शन यानी मेंबर फंक्शन से करते हैं तो हमें यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत पड़ती है एज अ ऑब्जेक्ट। तो हम इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे क्लास नेम, जो भी आपका क्लास का नेम होगा, ऑपरेटर, ये एक कीवर्ड है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए। देन पैरामीटर में हम लिखेंगे क्लास का नेम और उसका एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके हम नॉर्मल मेंबर फंक्शन से बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। यानी सिंगल आर्गुमेंट आपको यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको दो ऑब्जेक्ट्स का आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, इफ़ वी ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर थ्रू फ्रेंड फंक्शन देन वी हैव टू पास टू ऑब्जेक्ट्स एज अ पैरामीटर। तो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं कि क्लास मेंबर फंक्शन में यूनरी होगा तो कोई ऑपरेटर पास करने की जरूरत, आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड होगा तो एक पास करने की ज़रूरत है, और अगर आपका बाउंड्री ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्लास मेंबर फंक्शन में तो आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत है और फ्रेंड में बाउंड्री से दो ऑपरेटर पास करने की ज़रूरत है, दो आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, फ्रेंड क्लास नेम ऑपरेटर, देन हमने प्लस लिखा और प्लस के अंदर हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे क्लास नेम ऑब्जेक्ट वन, क्लास नेम ऑब्जेक्ट टू। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लास मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन।